इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और बिंग सर्च इंजन्स की, उनकी हिस्ट्री की। वैसे तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, ये कुछ दो दहाइयों से गूगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वह थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री, कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और कहाँ तक ये पहुँची। सो गूगल का आइडिया जब स्टार्ट हुआ, बेसिकली ये दो फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन एक दूसरे से यूनिवर्सिटी में मिले और वहाँ से ये अच्छे दोस्त बन गए और इन्होंने फिर एक कंपनी लॉन्च की। लेकिन जब ये दोस्त बन गए, इनको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख के एहसास हुआ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स में कहाँ कहाँ लिंक जाते हैं ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन स्टैनफोर्ड वेबसाइट को कितनी वेबसाइटें लिंक कर रही हैं ये हमें पता नहीं चलता। तो कोई ऐसा सर्च इंजन होना चाहिए कि वो ये बता सके कि इस वेबसाइट को कितनी वेबसाइटें लिंक कर रही हैं, ताकि हम उसको ढूंढ सकें, उसको देख सकें। इस बुनियादी आइडिया से ये बात स्टार्ट हुई और उन्होंने मिलकर एक सर्च इंजन लॉन्च किया जो कि 1996 में बैकरप के नाम से लॉन्च हुआ और बाद में इन्होंने इसका नाम बैकरप से गूगल रख दिया। गूगल बेसिकली एक मैथमेटिक्स में एक वर्ड है गूगल के नाम से, जिसका मतलब यह है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक लगाने के बाद 100 दफ़ा 0 लगाने हैं या 0 लगाने हैं, तो ये पूरे नंबर को गूगल के नाम से कैलकुलेट किया जाता है। उसके नाम को प्ले करते हुए, उसके साथ खेलते हुए इन्होंने अपना नाम ये रखा और 1997 में इसकी google.com डोमेन फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुई, लेकिन एक साल बाद इन्होंने एज अ कंपनी रजिस्टर करवाया खुद को और तकरीबन 1998 में ही सितंबर में इन्होंने गूगल एज अ सर्च इंजन लॉन्च कर दिया। जब वेबसाइट लॉन्च हुई, गूगल के लैरी जो फाउंडर्स हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसको बेचने की कोशिश की। वो ना सिर्फ याहू के पास गए बल्कि वो अल्टा विस्टा और जो कि उस वक्त एक अच्छा सर्च इंजन था और एक साइट के पास भी गए, यहाँ तक कि वो $750,000 पे बिकने के लिए वो रेडी थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से एक साइट के सीईओ ने आके डील कैंसिल कर दी। जब उनका कुछ भी ना बना तो उन्होंने एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया कि किस तरह उन्होंने कहा कि जब चूँकि बिक नहीं रही तो उन्होंने इसको एज अ कंपनी लॉन्च किया और उस पर काम शुरू किया। ये वो एक फ़ोटो है जो पिछले जो इनकी अर्ली टीम जो कि गूगल की बुनियादी शुरू में जो मेंबर्स थे, ये उस टीम का एक हिस्सा है जो कि आज इस दुनिया के एक तरह से सबसे बड़ी कंपनी के बीच में है या कोई लोग छोड़ गए हैं। अच्छा, 2005 में जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया कि गूगल ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसी तरह से 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया, गूगल मैप्स लॉन्च किया, गूगल एनालिटिक्स लॉन्च किया। तो ये वो प्रोडक्ट्स थी जो गूगल लॉन्च करता गया। फिर 2006 में यूट्यूब लॉन्च हुआ, फिर 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ, फिर गूगल प्लस लॉन्च किया उन्होंने 2011 में, और करते करते वो डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट औकात में वो लॉन्च करते गए और आज यानी कि लास्ट ईयर 2017 में गूगल का जो टोटल रेवेन्यू था वो $109 बिलियन का था और अब तक ये सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बन चुकी है, जो कि सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डोमेन्स में भी अब पेनिट्रेट कर रही है। जो दूसरा बड़ा सर्च इंजन है वो बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। जैसे हमने बात की कि सर्च इंजन ऑलमोस्ट सब एक ही पैटर्न पे वेबसाइट्स को रैंक करते हैं और उसके बाद उसको इंडेक्स करते हैं, लेकिन हम चूँकि गूगल को ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी वजह यह है कि गूगल ज़्यादा माना जाता है और क्लाइंट्स भी जब हमें पैसे देते हैं या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो गूगल के ऊपर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो अगर आप उनको बिंग पे दिखा भी दें तो वो शायद एक्सेप्ट ना करें। तो बिंग लेकिन फिर भी एक मार्केट शेयर रखता है, बिंग की भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो बिंग सर्च इंजन जब लॉन्च हुआ, इससे पहले एमएसएन के नाम से सर्च इंजन एग्जिस्ट करता था, जो बाद में लाइव विंडोज़ लाइव के नाम से मशहूर हुआ, फिर लाइव सर्च हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में जून 2009 में उन्होंने इसका नाम बिंग रख दिया और बिंग को एक नई प्रोडक्ट तौर पर उन्होंने लॉन्च किया। 2012 में उन्होंने याहू के साथ मर्जर करके याहू की सर्च ऑन कर ली। याहू सर्च इंजन अब एज अ सर्च इंजन प्राइमरीली नहीं एग्जिस्ट करता, बिंग ज़्यादातर याहू की सर्च पावर करता है और इस वक्त बिंग का जो है शेयर मार्केट में तकरीबन 20.9% कैलकुलेट किया जाता है, जो कि यूएसए में फिगर्स हैं, बाकी जगह पे इसकी फिगर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बिंग एक दूसरा बड़ा सर्च इंजन माना जाता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो गूगल नंबर 1 पे है और बिंग नंबर 2 पे है और दोनों ही ऑलमोस्ट बेहतर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ट्रैफिक चाहिए।
हम जब अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे इस कोर्स में, हम ऑलमोस्ट फोकस हमारा ज़्यादा गूगल के ऊपर होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर हम बिंग को भी इंक्लूड करें।